नमस्कार एजुकेशन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करने वाले हैं लॉकडाउन 6 की या फिर कह सकते हैं अनलॉक 2 की। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए। बात करेंगे कि लॉकडाउन आगे कहां कहां बढ़ा है और किन राज्य में कितने दिनों तक अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। साथ ही बात करेंगे अनलॉक 2 की, जिसमें आपको बताएंगे कि अनलॉक 2 में अब कौन कौन सी चीजों पर छूट मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा तो जरूरी देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि अनलॉक 2 के अंदर कौन कौन से छूटे और मिलने चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दोनों ही न्यूज के बारे में संपूर्ण जानकारी बिल्कुल विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन 6 की। लॉकडाउन 5 फिलहाल 30 जून तक ही है। 30 जून के बाद लॉकडाउन 5 खत्म होने वाला है, यानी कि परसों तक ही लॉकडाउन है, उसके बाद लॉकडाउन खत्म होने वाला है। लेकिन रुकिए, कई राज्यों ने ऐलान कर दिया है और लॉकडाउन को बढ़ा दिया। 31 जुलाई तक तो किन्हों ने 15 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। आपको बताएंगे कि कौन से राज्य ने कितने दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसला लिया है और लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। दूसरे नंबर पर आता है मणिपुर। मणिपुर में अब लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ चुका है। और तीसरे नंबर पर है झारखंड। झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। साथ ही बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि लॉकडाउन 30 जून के बाद भी जारी रहेगा। अब इंतजार है तो मोदी जी के मैसेज का और मोदी जी के आदेश का। केंद्र सरकार जैसे आदेश देगी वैसे ही पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल कोई भी सख्त लॉकडाउन नहीं लागू किया जाएगा। जैसा लॉकडाउन अभी लग रहा है वैसा ही आगे भी रहेगा। लेकिन हाँ, फिर छूटे मिलने वाली है। और भी आपको बता दें, अनलॉक 2 शुरू होने वाला है और अनलॉक 2 में काफी ज्यादा छूटे मिलने वाली है। अनलॉक 1 में मिली थी उससे भी ज्यादा छूटे मिलने वाली है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सरकार अब स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। 9वीं 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि 11वीं के लिए अभी स्टूडेंट्स आना बाकी है। और बात करेंगे इसके साथ ही कॉलेज की, तो कॉलेज भी खुल सकते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार इसी पर विचार कर रही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेड जोन में नहीं खुलने वाले स्कूल कॉलेज। रेड जोन के अलावा ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के और भी बयान आने बाकी है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सारे राज्य शामिल है, बड़े बड़े राज्य शामिल है। इसी के साथ बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में फिर लागू हो सकता है लॉकडाउन। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया है और इस बड़े बयान के अनुसार लॉकडाउन फिर से लागू हो सकता है। अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि लॉकडाउन लागू किया जाएगा, हो सकता है ऐसा कहा है, अभी उन्हें इंतजार है। तो मोदी जी के बयान का, मोदी जी के आदेश का, जैसे मोदी जी का आदेश आता है वैसे आपको सबसे पहले एजुकेशन इंडिया पर वीडियो अपलोड कराया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।